हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो हम सीजीएल के प्री के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीजीएल प्री 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम देखिए प्रॉफिट लॉस के हम अलग से कवर कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस को। आज हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा हम एवरेज के चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को समझाया गया है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इन क्वेश्चंस का, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल 2022 के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो एमटीएस के लिए भी, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और किसी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके स्टडी ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़ सके और मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे डिस्काउंट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल टायर वन 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और इजी अप्रोच के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ किस किस का 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5% बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 3840, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डिस्काउंट्स। अब आप एक चीज देखिए, एक डिस्काउंट है आपका 30% का, ठीक है, और दूसरे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 और 5 30। ठीक है, तो आपको पता होगा जब दो का हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 25 और 5 30 माइनस में 25 × 5/100 आएगा, तो 25 और 5 30 से 30 तो कट ही जाएगा। तो आप एक काम करिए, इनका 25 × 5 125 यानी 1.25% ही आपको निकालना है। ये आपका क्या आएगा, ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये 3840 का 1.25% निकाल दीजिए। ठीक है, तो 3840 का 125 पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया और परसेंटेज के लिए 100 लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका बनेगा 25 × 125, 25 × 4 = 100। ठीक है, 10 से आपका 10 कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 × 9 = 36, बचे 2, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो आपका बन जाएगा, 5 से काट लीजिए 2 बार और 2 से कटेगा 96 = 48 बार, तो आपका आंसर आएगा 48। ठीक है, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, राघव परचेज्ड ए शर्ट फॉर ₹1500। ठीक है, एंड मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द शर्ट बाई 40%। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ही हैज टू ऑफर इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 75%। ठीक है, देखिए उसने कोई शर्ट कितने में खरीदी, ₹1500 में। ठीक है, उसने 40% ज्यादा इस पर मार्क कर दिया, इसका 40% कितना हो जाएगा भाई, 10% होगा इसका 150, 300 यानी कि आपका हो जाएगा 600। तो उसने एमआरपी कितना मार्क कर दिया आपका, 2100 यानी कि इसका 40%, 40% कितना हो जाएगा इसका, 600 ज्यादा यानी कि आपका हो जाएगा 2100 मार्क कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ही हैज टू ऑफर इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹75 का, ₹75 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 1500 की चीज थी वो उसको कितने में बेचेगा, 1575 में। ठीक है, तो इस 1500 की चीज को वो 1575 में बेचेगा, तभी उसको ₹75 का फायदा होगा, तो आपका एस पी हो जाएगा 1575। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब कह रहा है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका ₹2100 की चीज को उसने 1575 में बेचा है, तो मान के चलिए कितने का डिस्काउंट दिया है भाई, 2100 में से अगर 1500 रहते तो आपका रहता कितना, 600 का, उसमें से 75 और घटा दीजिए यानी कि 525 का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट आ जाएगा आपका 525। अब ये 525 का डिस्काउंट कितने पर दिया है, ऑब्वियसली एमआरपी पर यानी कि 2100 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
देखिए आपका बन जाएगा 2 0 से 2 0, 21 दूनी 42, बचे 10, 21 पंजे 105, तो 25% आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, दिस सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% और 12%, तो कितना हो जाएगा, 15 और 12 27, माइनस में 15 × 12 है अपॉन में 100। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए तो कितना बन जाएगा आपका, 4 5 से काट लीजिए, 5 15 5 से काटेंगे तो 5 से 20 बार, 4 से काटिए 4 5 20, 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 3 9/5, इसको 18/10 लिख दीजिए, यानी 1.8, तो आप लिख सकते हो इसको 27 माइनस में 1.8, 27 में से एक गया तो 26, यानी कि 25.2%, ये आपका आंसर हो जाएगा 25.2% ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% और 5%, तो कितना हो गया, 15 और 5 20, माइनस में 15 × 75 अपॉन में 100। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका, ये आपका 25 3 75, 25 4 100, तो 20 माइनस में ये कितना बन जाएगा आपका, 0.75 बनेगा, 0.75, तो 20 में से 0.75 गया तो 19.25%, ये आपका आंसर होगा 19.25% ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 65,520 रुपए आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो देखिए भाई भाई बेचा कितने में है, आप मुझे एक चीज बताइए, बेचा है आपका 65,520 में, कब, जब आपने 25% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 75% में बेचा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 65,520 जो वैल्यू है ये आपकी 75% की, और आपको एमआरपी पूछी है तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25 चौका 100, 25 3 75, 3 2 6, 3 1 3 2, 3 8 24, 3 4 12 0, तो कितना आ जाएगा गुना करके, 4 0, 4 4 16, लास्ट में 60 आएगा, तो देखिए दो ऑप्शन में, तो गुना कर लीजिए, 4 6 16, 1 4 8 32 और 1 33, हासिल का 3 1 1 4 84 और 3 87, 87,360 आपका आंसर होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 87,360 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सुनील परचेज्ड ए फैन एट ए 10% डिस्काउंट ऑन दी लेवल्ड प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस पर 10% के डिस्काउंट के बाद क्या खरीदा, एक फैन खरीदा। ठीक है, इफ ही हैड परचेज्ड इट एट ए 15% डिस्काउंट, अगर वो 10 की बजाय 15% के डिस्काउंट पर खरीदता तो वो 400 रुपये की सेविंग कर लेता, 400 रुपये बचा लेता, फाइंड द लेवल्ड प्राइस। अब आप मुझे बताइए ये 400 रुपये वो किस वजह से बचाता, जब वो 10 की बजाय 5% 15% का डिस्काउंट लेता, यानी कि वो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 400 वैल्यू है ये 5% की वजह से ही तो आती। ठीक है, तो 5% की वैल्यू आपसे लेवल्ड प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 4 2 8,000 आपका लेवल्ड प्राइस आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन ए वॉच मार्क्ड 2750। ठीक है, द फर्स्ट डिस्काउंट गिवन इज 10%, इफ द कस्टमर पेज 2103.75 फॉर दी वॉच, देन दी व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट। देखिए मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन का क्या तरीका होता है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए पहला डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है आपका 10% का, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये की चीज को एक का डिस्काउंट दे के 9 में बेचा है। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट मेरे को निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स रुपए की चीज को कुछ डिस्काउंट देके वाई में बेचा है, और ओवरऑल जो उसको डिस्काउंट मिला है, देखिए 2700 रुपये की चीज को, 2750 रुपये की चीज को कुछ डिस्काउंट देके 2103.75 में, तो यहां मैं पी नीचे जो 100 लिखूंगा उसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका 25 से काटीजिए, 25 एकम 25, बचे 2, 25 एकम 25 और 3 0, ठीक, रेशियो 25 से 25 8 200, बचे आपके 10, 103 बन गया। ठीक है, और आपका 25 चौका 100, बचे कितने आपके 3, तर लिया 7 का, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ठीक ये बन गया। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 0,
और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 छिंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। ठीक है, अब आप इसको 11 से काट लीजिए। ठीक, तो देखिए आपका बन जाएगा 11 दूनी 22, 200, और यहाँ देखेंगे तो 11 एकम 11, बचे कितने आपके 5, 11 पन्ने 55, 11 तिया 33। ठीक, अब आप देखिए फाइनली 200 रुपये की चीज को 153 में बेचा है, तो इसका मतलब डिस्काउंट तो आप यही लिख सकते हो कि फाइनली ओवरऑल देखें तो हम 200 रुपये की चीज को 153 में बेचा है। ठीक, अब आप यहाँ इसको इक्वेट करेंगे तो क्या पाएंगे कि 10x बनेगा आपका 10x अपॉन में 9y बराबर 200 अपॉन में 153। ठीक है, इसको आप देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपका 10 से 10 कट जाएगी, 9 से 1 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 सात 63। अब आप देखिए एक्स रुपए की चीज को आप वाई में बेच रहे थे, इसका मतलब यहां आप देखेंगे तो ये आपका 20/17 आ रहा है ना, तो 20 रुपए की चीज को आप 17 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 3 का। ठीक है, ये 3 का डिस्काउंट कितने पर दे रहे हो? 20 पर, तो 100 पर कितना? ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। 20 पंजे 100, 15% का आपने सेकंड डिस्काउंट दिया था, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और अच्छा लगा होगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन ए सर्टेन बिल वाज 25, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। अब आप देखिए यहां आपको टोटल गिवन है 25, और यहां 15 और 10 के दो हैं, तो 15 और 10 25 से तो ये 25 कट ही जाएगा, जब डिफरेंस लेंगे तो आपका ये जो बचेगा 15 इंटू में 10 अपॉन में 100, कितना लिखना है बस, 15 इंटू में 10 अपॉन 100, तो ये आपका बनेगा कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो आपका 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये आ गया डिफरेंस आपका 3/2 लिख लीजिए, या फिर 1.5 लिख लीजिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो 25 ये वैल्यू है ये डिफरेंस की है, तो यानी कि ये 3/2 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है फाइंड दी अमाउंट, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आपका बन जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 अपॉन में 3, कितना बनेगा? 3 एकम 3, बचे 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 0.67, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए मैन बॉट ए वॉच फॉर 12% डिस्काउंट इफ ही हैड बॉट इट फॉर 24% डिस्काउंट, अगर वो 12 के बजाय 24% डिस्काउंट पर बेचता तो वो उस वॉच को 2400 रुपये कम में खरीद पाता, द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच। तो देखिए 12 के बजाय वो 24 में, यानी कि ये जो 2400 कम किस वजह से है कि वो 12 डिस्काउंट मिल रहा था उसकी जगह पर अब 24 मिल रहा है, यानी 12% के डिस्काउंट की वजह से है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस 12%, यानी कि जो 2400 वैल्यू है ये आपकी 12% की वैल्यू, और आपको निकालनी है मार्क प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपका 12 दूनी 24, 200, ठीक है, और 200 पे 2 जीरो, यानी कि 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए होटल इज गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन दी बुकिंग ऑफ टू और मोर रूम्स, अगर वो दो या दो से ज्यादा रूम बुक करता है तो उसको 12% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, एडिशनली होटल इज ऑफरिंग ए 5% डिस्काउंट ओनली ऑन पेमेंट बाई यूजिंग दी कार्ड ऑफ SBI, अगर वो SBI कार्ड से पेमेंट करता है तो उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, राकेश बुक्ड 2 रूम्स, अगर उसने 2 रूम बुक किए हैं तो उसको 12% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इन दी होटल फॉर ए डे, एक दिन के लिए, एट दी रेट ऑफ 1500 पर रूम, अगर उसने एक रूम 1500 के हिसाब से तो 2 रूम कितने के खरीद लिए उसने? 3000 रुपए के। 3000 रुपए उसको देने थे, बट उस पर 12% का डिस्काउंट भी था, तो इसमें से भाई 12% का डिस्काउंट घटा दीजिए, तो यानी कि 360 इसमें से घटा दीजिए, तो उसको एक्चुअल में कितने पे किए उसने भाई? 3000 में से 300 जाएगा तो 2700, यानी कि 2640 पे किया, पे करने हैं उसको। अगर वो देखते हैं आगे कितने, तो उसको पे करने ही पर करने ही करने हैं। व्हाइल चेकिंग आउट ही पेड दी बिल यूजिंग SBI सिल्वर कार्ड, अब उसने SBI से किया है तो उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो इसका 10% कितना हो गया? 264, इसका 5% कितना हो गया? 132, तो इसमें से 132 और घटा दीजिए,
ठीक है, तो आपका 132 और घटाइए इसमें से कितना बनेगा, 40 में से 32 गए तो 8 और 26 में से 1 गया तो 25, तो 2508 आपका आंसर होगा, 2508, 2508 ऑप्शन डी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स थ्री टाइप्स ऑफ द डिस्काउंट्स स्कीम्स फॉर द बायर्स, विच ऑफ देम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए भाई मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज किस में गिवन है, तो कह रहा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच, तो 10 और 10 20 और -1 यानी कि ये बना आपका 19%। ठीक ठीक है, सेकंड वाला अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 5, तो 15 और 5 20 माइनस में 15 पन्ना 75 यानी कि 0.75, तो ये बनेगा आपका 19.25%। ठीक, तीसरा देखते हैं तो 20%। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ देम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, तो देखिए ये 19% है, 19.25% है, ये 20% है, तो यानी कि केवल थर्ड वाला, केवल केवल छूट स्कीम सेकंड, केवल छूट स्कीम फर्स्ट, केवल केवल छूट स्कीम थर्ड, तो यानी कि ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, केवल भाई 20% यही सबसे ज्यादा, ये 19, ये 19.25 और ये आपका कितना 20%, तो यही है ऑप्शन तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए कैप हैविंग मार्क प्राइस 90 इज सोल्ड फॉर ₹68, व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डिस्काउंट। भाई ₹90 की चीज आप 68 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 22 का। ठीक है भाई, 90 से अगर 70 का बेचता तो 20 का डिस्काउंट देता, यानी कि 22 का डिस्काउंट दे रहा है, 22 का डिस्काउंट कितने पर दे रहा है, 90 पर, परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ठीक 10 से 10 तो आपका बन जाएगा 220 अपॉन में 9, बनेगा 9 दूनी 18, बचे 4, 40 बन गया, 9 चौक 36, ठीक है, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44, 24.44%, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 18% एंड 12% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट, तो 18 और 12 30 माइनस में 18 इनटू में 22 और 18 है, 22 और 18 कितना हो जाएगा आपका 40, माइनस में 18 इनटू में 22 अपॉन में, ये 22 है अपॉन में 100। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं कितना बन जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे, नहीं तो एक काम करिए आप, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, गुनाई कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 40 माइनस में 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39, तो 3.96, तो 0.04 आएगा चार ऑप्शंस में, तो 40 में से 3 गए तो 37, 37 में से यानी कि बनेगा आपका 36.04%, ये आपका आंसर होगा, देखिए 36.04% ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ थ्री कोकोनट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 कोकोनट्स, भाई 12 खरीदने पर 3 फ्री दी जा रहे हैं, इसका मतलब समझिए भाई, 12 खरीदने पर 3 फ्री दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो उसने अपनी तरफ से दिए कितने, 15 और उसमें 3 फ्री थे, इसका मैं मतलब कह सकता हूं कि भाई 3 का डिस्काउंट दे रहा है वो 15 पर। ठीक है, प्राइस्ड 25 ईच, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच कोकोनट, तो परसेंटेज में निकालना है, तो देखिए भाई 3 का डिस्काउंट दिया 15 पर, यानी 3 बटे टोटल कितना है, 3 का डिस्काउंट दिया है आपका 12 और 3 15 पर, ठीक है, तो 100 पर कितना, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आपका परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, अगर रुपीज में पूछता तब इसकी जरूरत पड़ती। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, रोहन सोल्ड गुड्स टू अंकित वर्थ ₹55,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच मनी डिड अंकित पे टू रोहन, तो भाई 15% के डिस्काउंट पर बेचा है, तो देखिए रोहन ने अंकित को कितने में बेचा, एट ए 15% के डिस्काउंट पर, तो हाउ मनी डिड अंकित पे टू रोहन। ठीक है, तो देखिए भाई 15% के डिस्काउंट पर, इसका मतलब 85% पर बेचा है, या फिर आप कह सकते हो
ठीक है, यही निकाल लीजिए, 85% पर बेचा है तो 55,000 का कितना, 85% उसने पे किया, दो जीरो से, दो जीरो से आपकी दो जीरो काट दीजिए, ठीक है, गुना कर लीजिए, तो जीरो और आपका 550 है ना ये। एक काम करिए, पहले 500 से कर लीजिए, फिर आप पहले देखिए, अब एक काम देखिए, गुना करना देखिए, 85 × 550 है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको 500 से गुना कर लीजिए, 85 × 500 आसानी से कर लेंगे, फिर इसको इंटू में आप करेंगे कितने से, 50 से, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मैं वही कर रहा हूं यहाँ, अगर मैं 500 से गुना करूंगा तो दो जीरो आएगा, फिर 5 से गुना करूंगा तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 40 और 2 = 42, ये आ जाएगा। फिर मैं 50 से गुना करूंगा इसमें तो आपका आएगा जीरो, तो आएगा ही आएगा, 5 × 5 = 25 हासिल कर, 2 × 5 = 40 और 2 = 42, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आएगा 50, 5 और 2 = 7, 4 और 2 = 6 और 4 = 46, 750 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ए शॉप ए डिस्काउंट ऑफ 5% इज प्रोवाइडेड, किसी शॉप पर 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, एंड इफ द टोटल पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 2000, अगर डिस्काउंट के बाद उस वो 2000 से ज्यादा के उसका सामान बन रहा है, वो 2000 से ज्यादा पे कर रहा है, तब एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। ठीक है, डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट टू बी पेड इन रुपीज बाई ए कस्टमर इफ ही बाइज 5 प्रोडक्ट्स ईच ऑफ प्राइस 500। अब आप मुझे बताइए, 5 प्रोडक्ट उसने खरीदे और प्रत्येक प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो कुल मिला के उसने कितने में खरीदे, 5 × 5 = 2500 रुपए में। अब ये 2000 से ज्यादा है, बिल्कुल, तो उसको 5% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि ये कितने का है, 10% डिस्काउंट प्रोवाइडेड, एडिशनल डिस्काउंट 10% प्रोवाइडेड आफ्टर डिस्काउंट, तो पहले 5% के इसमें से डिस्काउंट दे दो, 10% हो गया 250, 5% हो गया 125, तो इसमें से 125 घटाएंगे तो भी ये 2000 से ज्यादा है, तब हम देखेंगे कि डिस्काउंट एडिशनल देना नहीं देना, यही लिखा है ना, आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो 100 में से 25 गए तो 75 और 24 में से 1 गया तो 23, तो 2375 रुपये पे कर रहा है, जो कि आपका ग्रेटर देन 2000 है, इसका मतलब इस पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट और लगेगा, ठीक है, मिल जाएगा उसको। तो पूछा क्या है, डिटरमाइन दी फाइनल अमाउंट टू बी पेड, तो इसमें से 10% घटा दीजिए, वही वो पे करेगा, 10% का डिस्काउंट और दे दीजिए उसको, तो यानी कि आपका बनेगा 237.5। ठीक है भाई, 10% इसका ये बनेगा 237.5, पॉइंट लगा के इधर जीरो रखिए, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 4, 14 में से 7 गए तो 7, ठीक, यहाँ बचे आपके 6 में से 3 गए तो 3, 23 में से 2 गए तो 21, 2137.50 आपका आंसर होगा, 2137.5 ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन फॉर द परचेज ऑफ टू बुक्स बाय ए बुक सेलर एंड ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑफर्ड इफ ए कस्टमर बाइज मोर देन टू बुक्स। ठीक है, देखिए अगर वो दो बुक्स खरीदता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और उसको एंड ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑफर्ड इफ द कस्टमर बाइज मोर देन टू बुक्स, अगर वो दो से ज्यादा खरीदता है तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ए 10% डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड टू ऑल द कस्टमर्स ऑन द परचेज ऑफ वन बुक, और देखिए जो कोई कोई भी हो एक बुक खरीदता है तो उसको कितना, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, एन एडिशनल 5% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, अब अगर वो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, पूछा क्या है, इतनी कहानी हमें केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर गिवन है, आगे देखते हैं। देखिए सोहन जो कि एक स्टूडेंट है ऑफ एम कॉम इन कॉलेज, ठीक है, तो यानी कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के यानी कि एडिशनल 5% का डिस्काउंट इसको मिलेगा, बॉट ए बुक रुपए 513 की, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, देखिए आप या तो ऑप्शंस से देख सकते हो, ऑप्शन में से डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि वो सोहन है और उसने देखिए ए बुक यानी कि उसने एक बुक खरीदी है,
एक बुक खरीदिए तो हर किसी को, जो भी एक बुक खरीद रहा है, टू ऑल कस्टमर्स ऑन वन बुक, ठीक है, एक बुक पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं उसको 10 रुपए की चीज पर एक का डिस्काउंट मिल गया, भाई 10% का मतलब 1/10, 10 पर एक का डिस्काउंट मिल गया, यानी 10 रुपए की चीज उसको 9 में मिल गई, ठीक। और उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल गया, यानी कि क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, तो यानी 5% मतलब 1/20, यानी 20 रुपए की चीज उसको 19 में मिली, ठीक है। तो ये दो डिस्काउंट मिले, तो मैं ओवरऑल चेंज देख लेता हूँ कितने का हुआ है। तो देखिए आपका 20 दाम के 200 और यहाँ 19 नम्मा 171, ठीक। तो उसको 200 रुपए की चीज, ये 200 रुपए की चीज उसको 171 में मिल गई, ठीक। अब उसने पे कितने किए हैं, भाई 513, यही कह रहा है ना, ही बॉट ए बुक फॉर रुपए 513। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो 513 है भैया, 200 रुपए की चीज हमने पे कितने किए हैं, हमारे हिसाब से 171, और सवाल के हिसाब से 513, ठीक है। तो 17 इक्यावन, 1 3, यानी कि ये 3 गुना है। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द, यानी 200 रुपये उसका मार्क प्राइस था हमारे हिसाब से, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, एमआरपी 600, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एट ए क्रिसमस सेल ऑल द गुड्स इन ए शॉप आर ऑन द सेल एट 30% डिस्काउंट, ठीक है। इफ जैस्मिन बाइज ए स्कर्ट मार्क्ड एट ₹800, हाउ मच वुड ही नीड टू पे, भाई 30% के डिस्काउंट के बाद, यानी कि उसने 70% ही पे किया, 800 रुपए की चीज पर उसने 70% पे किया, यानी 70/100 पे किया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका कितना बन जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 856, यानी कि 560 रुपए पे किए उसने, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर लिस्टेड द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर एट ए सर्टेन अमाउंट, ठीक है। इफ शॉपकीपर डिक्लेयर्स ए 15% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट एट ₹1445, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखिए उसने बेचा कितने में, 1445 में, 15% का डिस्काउंट देने के बाद। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा 1445 है, ये 85% की वैल्यू है भाई, 15% के डिस्काउंट के बाद, यानी 85% की वैल्यू है। हमसे पूछी है मार्क प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका बन जाएगा देखिए 17 से काट लीजिए, 17 5 85, 17 से काटेंगे तो 17 8 136, ठीक है, बचे 8, 17 5 85 और 5 से काटेंगे तो आपका 17 बार, तो 1700 आपका एमआरपी आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए डीलर ऑफर्स 45% डिस्काउंट ऑन ए पैकेट, 45% का डिस्काउंट दिया। सी ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द रिड्यूस प्राइस ऑन कैश पेमेंट, ठीक है। अगर वो कैश पे करता है तो उसको 25% का और डिस्काउंट दे दिया जाता है। व्हाट डज ए कस्टमर हैज टू पे फॉर द पैकेट ऑफ ₹2800 इन कैश, अगर वो ₹2800 में कैश पेमेंट करता है तो वो टू अवेल बोथ द डिस्काउंट्स, दोनों डिस्काउंट को अवेल करते हुए कितने रुपए वो पे करेगा, ठीक है। तो देखिए भाई आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या तो आप 2800 पर ही डायरेक्ट वैल्यू 2800 पर ही निकाल लीजिए, नहीं तो आप रेशियो लेके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 2800 पर बता देता हूं, देखिए अगर वो 2800 रुपए की चीज पर पहले 45% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो यानी कि वो पे कितना करता है, 55%, ठीक। और ये जो बचा हुआ है इस पर फिर 25% का और डिस्काउंट दिया जाता है, तो पे कितना करता है, 75%, 75% का मतलब 3/4, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काट लीजिए, 7 बार, 7 या 21, तो 21 5 105, यूनिट डिजिट 5 ए के ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 21 5 105, हासिल 10, 21 5 105 और 10 115, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% इज इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, तो या तो आप कर सकते हो 10 रुपए की चीज पर एक का डिस्काउंट दिया, 9 में बेची, 10 रुपए की चीज पर एक का डिस्काउंट दिया, 9 में बेची, फिर 10 का, यानी कि 9 में बेची, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। मैं ओवरऑल निकाल रहा हूँ, 9 का क्यूब हो जाएगी आपकी 729, ठीक है। अब देखिए
1000 में से 700 गया था, यानी कि 300 बचा। ठीक है, 300 में से भी आप 29 घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 271। ठीक है, 271 का डिस्काउंट अभी आप क्लियरली देख सकते हो, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, 271 का डिस्काउंट कितने पर है, 1000 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, तो आप देख सकते हो क्लियरली, आपका 2-0 से 2-0, नीचे 1-0 बच रही है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 27.1%। ठीक, बाकी आप पहले 10 और 10 का निकाल लीजिए, 19 आएगा, फिर 19 और 10 का निकालिए, उसमें किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इस शॉपकीपर ऑफर से कैश डिस्काउंट ऑफ 85 रुपए, ऑफ रुपए 85 फर्स्ट एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2% ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ ए फैन। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 1285, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए, 1285 रुपए की चीज पर वो पहले 1285 पर पहले वो 85% का, 85 रुपए का डिस्काउंट दे देता है, तो यानी कि 85 गई तो आपके 1200 रुपए की वो चीज बची। ठीक ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वो 10% और 2% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक, तो 10 और 2 का या तो आप सक्सेसिव निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप पहले 10% दे दीजिए, फिर 2% दे दीजिए इसी पर। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो इसी पर दे देते हैं। देखिए, अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे देता हूं तो 120। ठीक, तो यानी कि इसमें से आपका कितना बचेगा, 1080। ठीक, 1080 का 2% और निकाल लीजिए, ठीक है, तो इसका 1% बनेगा 10.8, और 2% बनेगा आपका इसका डबल, 108 दूनी यानी कि 216, यानी कि आपका 21.6। तो इसमें से 21.6 का डिस्काउंट और दे दीजिए, ठीक, तो आपका बनेगा 0.4। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक, 107 में से 2 गए तो 105, तो आपका 105 यानी 1058.4, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए ग्रोसरी शॉप इज ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन दी परचेज ऑफ 500 एंड अबव। ठीक है, अगर वो 500 रुपये या उससे ज्यादा की परचेजिंग करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ए 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन दी परचेज ऑफ दी वैल्यू अबव दी 250 बट बिलो दी 500। अगर वो 250 से ऊपर और 500 से कम की परचेजिंग करता है तो उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। समझते चलिएगा, अगर वो 500 रुपये या उससे ज्यादा की परचेजिंग करता है तो 10%, और 250 से 500 के बीच में करता है तो आपका 500, तो सॉरी 5%। ठीक है, ए डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1% इज गिवन इफ द पेमेंट इज मेड इंस्टेंटली इन कैश। अगर वो कैश में तुरंत पेमेंट करता है तो उसको 1% का और डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, पेमेंट के टाइम पे हाउ मच वुड ए कस्टमर हैव टू पे बाई कैश। अगर उसने, अब उसने कैश में पेमेंट करी है, इसका मतलब उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा। इफ ही बाइज 25 पैकेट्स ऑफ द बिस्किट्स एंड 1 पैकेट इज प्राइस्ड एट 30 रुपए। अगर एक एक पैकेट की कीमत 30 रुपए है तो 25 पैकेट उसने खरीदी, तो 25 75 यानी कि 750 रुपए की उसने खरीदी पैकेट। ठीक ठीक है, अब देखिए, अब 750 रुपए की है तो ये कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है, यानी 500 या उससे अबव, और उसमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है आपका, 10% का। ठीक है, तो 750 रुपए की चीज पर उसने 10% का डिस्काउंट यानी 75 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा उसको, तो इसमें से 50 घटाएंगे तो 725 और घटा दीजिए तो आपका 675 बनेगा। ठीक, इतने रुपए उसने उसको पे करने हैं, बट क्योंकि वो कैश में पेमेंट कर रहा है, उसने बोला अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो उसको 1% के एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसका 1% कितना हो जाएगा, 6.75, तो इसमें से 6.75 और घटा दीजिए। ठीक, तो आपका बन जाएगा 100 में से 75 गए तो 25। ठीक है, और आपका यहाँ बचेगा 4, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ बचेगा 66, तो 668.25 ये आपका आंसर होगा, 668.25 ऑप्शन बी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। देखिए, आपका फर्ज बनता है कि आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 3 स्कीम्स। क्या क्या स्कीम है भाई, स्कीम वन कह रहा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 25%। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 15 और 25 40। ठीक है, तो
तो 40 माइनस में 25 इंटू में 15 अपॉन में 100, ठीक। तो ये बनेगा आपका, गुना कर लीजिए, 15 पन्ना 75, मैं इसकी गुना कर रहा हूँ, देखिए ये कितना बनेगा आपका, 15 पन्ना 75, 7, 15 दून 30, 37, ठीक है। और पॉइंट लगाइए 2 के बाद, तो 3.75 घटाइए 40 में से, 40 में 37, तो यानी 36.25 बनेगा ये, 36.25% इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर यहां देखते हैं तो कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदने पर उसको 3 फ्री मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 5 खरीदी और उसको 3 और फ्री दे दी। इसका मतलब जो 3 फ्री मिली है टोटल उसको 8 मिली है और उसमें 3 फ्री है, तो मैं कह सकता हूँ 8 पे 3 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो यानी कि यह बनेगा 3/8, और 3/8% में होता है आपका 37.5%, ठीक ठीक है। और यहां देखते हैं तो कह रहा है Buy 4 get 6, 4 खरीदने पर 6 मिलते हैं, इसका मतलब उसको 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, कितने पर, 6 पर, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका, 1/3, और 1/3 क्या होता है आपका, 33.1%, ठीक। आप देख लेते क्या पूछा है, विच स्कीम इज दी बेस्ट फॉर दी कस्टमर। अब कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप बताइए मुझे तीनों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तीनों स्कीम्स को, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखिए यहाँ 36.25% है, यहाँ आपका 37.5% है, और यहाँ 33.1% है, तो इसी में सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो स्कीम सेकंड आपकी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सब स्कीम सेकंड कौन से ऑप्शन में है आपकी, स्कीम सेकंड ऑप्शन ए में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 14,500, यानी ये इस पर प्रिंटेड है, यानी कि ये इसका एमआरपी है। इट इज सोल्ड ₹4,10,000 विद टू कंजिक्यूटिव डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, लगातार डिस्काउंट। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझा चुका हूँ पीछे, ठीक है, और पिछले लेक्चर्स में भी, इस लेक्चर में, पिछले क्वेश्चंस में भी। तो पहला डिस्काउंट दिया है वो दिया है 10% का, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 10 रुपए पर एक की, 10 रुपए की चीज पर एक का डिस्काउंट देके 9 में बेच रहा है, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट मेरे को निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ ₹X की चीज को वो Y में बेच रहा है कुछ डिस्काउंट देके, ठीक है। और फाइनली आप देखोगे तो ₹14,000 की चीज को वो कितने में मिल रही है उसको, 10,000 में, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ ₹14,500 की चीज उसको 10,000 में मिल रही है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए दोनों का, तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 29 पंजे 145 होता है, और 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। तो मैं कह सकता हूँ फाइनली भाई ₹29 की चीज पर 9 का डिस्काउंट देके 20 में बेच रहा है, ठीक। अब इनका दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा, तो कैसे निकाल पाऊंगा, 10X अपॉन में 9Y बराबर 29/20, ठीक। यहां देखिए आपका बन जाएगा कितना, ये बनेगा आपका भाई 29 की चीज को 20 में बेच रहा है, फाइनली ये हो गया आपका 10X अपॉन में 9Y बराबर 29/20, ठीक है। अब आप निकालिए क्या, X अपॉन में Y, तो ये बनेगा आपका X अपॉन में Y, तो 9 चला जाएगा इधर, 9 9 81, हासिल 8, 9 2 18 और 8 26, 261, ठीक। और यहां देखेंगे 10 चलाएगा इधर, तो यानी कि 200। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ₹261 की चीज को 200 में बेच रहा है, एक्स की चीज को वाई में बेच रहा है, ये हमने देखा था यहाँ, तो यानी कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, ₹61 का, कितने पर, 261 पर। तो आप देखिए ₹61 का डिस्काउंट दिया है 261 पर, तो 100 पर कितना, ठीक। तो इसको आप देखेंगे 26 दूनी 52, तो आपका जाएगा 2 बार, देखिए 2 बार जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका इसका डबल, 26 दूनी 52, और आपका क्या बनेगा, 522, ठीक। तो 610 में से 522 जाएगा, तो 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ बचेगा 60 में से 52 गए तो 8, उतार ली 0, 26 30 78, तो 23 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बाकी में 23 नहीं है, तो 23.37% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, राघव वेंट टू ए शॉपिंग मॉल टू परचेज क्लोथ्स, ठीक है।
ही हैड टू कूपन, उसके पास दो कूपन है विद हिम, बट ओनली वन कैन बी यूज ऑन ए सिंगल डे, यानी एक दिन में केवल एक ही कूपन यूज किया जा सकता है। यूजिंग द फर्स्ट कूपन, पहला कूपन में क्या है, ए टोटल डिस्काउंट ऑफ 30%, एक टोटल 30% का डिस्काउंट कुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द टोटल अमाउंट, ठीक है। यूजिंग द सेकेंड कूपन क्या कह रहा है, ही विल गेट 80% ऑफ ऑन दी प्राइस ऑफ दी कॉस्टलीस्ट शर्ट, जो सबसे महंगी शर्ट है उस पर 80% का डिस्काउंट दिया जाता है, सेकंड कूपन ये कह रहा है, और उसमें वो भी कंडीशन तब है जब वो कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, ठीक है। ये हमें केवल इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये इतनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द प्राइस एट विच राघव कैन परचेज 3 शर्ट्स, अगर वो 3 शर्ट खरीदता है तो 3 या 3 से ज्यादा के लिए क्या कंडीशन है कि वो 80% ऑफ मिलेगा उसको उन 3 शर्ट में से जो सबसे महंगी शर्ट होगी उस पर, ठीक है, ठीक है। एट ए मिनिमम प्राइस इफ द प्राइसेज ऑफ द 3 शर्ट्स आर, ये रही 1250, 1540 और 1375, आप मुझे बताइए सबसे महंगी शर्ट कौन सी है इसमें, 1540, ठीक है, इस पर 80% ऑफ कर दीजिए, इसका 80% ऑफ यानी कि उसने खरीदी कितने में, केवल 20% में, तो इसका 20% निकाल दीजिए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 154, डबल कितना होगा, 308, तो यानी कि ये शर्ट उसको पड़ी 308 रुपए में, ठीक है, और बाकी पर तो भाई कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, उसने केवल सबसे महंगी के लिए सर वो कंडीशन रखी थी केवल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1200 और आपका 125, यानी 2625, तो यानी 2625 तो बाकी दो शर्ट के लिए, और जो तीसरी सबसे महंगी शर्ट थी उसके लिए उसने केवल 308 पे किए थे, तो इसमें 308 और एड कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा आपका, 8513 और 2 और 1 3 और 26 और 3 29, 2933 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सीता गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 3000 जूस मिक्सर, ठीक है, 3000 रुपए का जूस मिक्सर है उस पर 20% का उसने डिस्काउंट लिया, ठीक है, सिंस सी पेज कैश, अगर वो क्योंकि वो कैश पे कर रही है उसको एक एडिशनल 5% का डिस्काउंट और मिल गया, हाउ मच डज सी पे, तो देखिए भाई पहले तो 20% का डिस्काउंट दे दीजिए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 300, ठीक है, 300 और 20% कितना हो जाएगा, 600, तो इसका में से 600 का डिस्काउंट तो पहले दे दिया, तो उसको पे करने थे 2400, और वो कैश पे कर रहा है तो उसको 5% का और दे दिया, 10% हो गया 240, तो 120 और घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, और आपका 23 में से 1 जाएगा तो 22, तो 2280 उसको पे करने होंगे, 2280 देखिए ऑप्शन सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, ठीक है, फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है। देखिए एक शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, ठीक है, और उसको फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। देखिए भाई उसने दो जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया है, 20 और 10 का, कितना बन जाएगा, 20 और 10 30 में से दो गए तो यानी कि 28% का, तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है वो 28% का दिया है, ठीक, और वो कह रहा है यानी 28% का मतलब क्या है, और यहां देखिए ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44%, तो यहां देखिए ये क्या है, डिस्काउंट है आपका, तो मैं कह सकता हूं 28% को क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या होगा आपका 7/25, ठीक है, 7/25, तो मैं कह सकता हूं 25 रुपए की चीज को, तो ये अगर उसकी MRP है तो 7 का डिस्काउंट देके उसने बेची कितने में है, 25 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 18 में, ठीक, ठीक है, और कह रहा है 44% का उसको नेट प्रॉफिट हुआ, 44% का मतलब क्या होगा आपका 11/25, ठीक है, ये प्रॉफिट, तो ये क्या है आपकी CP, ये क्या है आपका प्रॉफिट, तो मैं कह सकता हूं अगर मेरा CP और SP का मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो यहां CP लिख लेता हूं और ये SP है ही, तो यहां से 25 रुपए की चीज को वो 11 के फायदा में यानी 36 में बेच रहा है, 25 रुपए की चीज को वो 36 में बेच रहा है, ठीक, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताइए 36 रुपए की चीज यहाँ 36 की वैल्यू यहाँ 18 है,
यानी कि 1/2 टाइम्स। तो यहां 25 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स। ठीक है भाई, 25 की चीज को वो 36 में बेच रहा है, ठीक। तो आपका इसका हाफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, अगर वो 15% के डिस्काउंट पर बेचता है तो भाई एमआरपी कितना है आपका, 25, इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15 यानी कितने में बेच रहा है, 85% में। तो इसका 85% निकाल लीजिए, तो 25 का 85% आपको निकालना है, ठीक। तो गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा, नहीं तो एक काम करिए, इसको 25 चौका 100, तो आपका आ जाएगा ये कितना, 85/4, ठीक। ये 85/4 और ये 25/2, पूछा क्या है आपसे, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए भाई, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल पाएंगे आप भाई, 25, इसको क्या लिख सकते हो आप, 25/2 को 50/4 ही लिख सकते हो। तो आप एक काम करिए, क्योंकि परसेंटेज में इनका रेशियो ले लीजिए सीपी और एसपी का, ठीक है, आसानी के लिए। तो यहां से ये 4 से 4 कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो ये आएगा आपका 50:85। 5 से काटिए 10 बार, 5 से काटिए 17 बार, तो फायदा कितने का हुआ, 7 का। कितने पर, ऑब्वियसली इस 10 पर होगा फायदा, ठीक है। तो फायदा हुआ इस 10 पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, 10 7 70% आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर लिस्टेड 650, यानी 650 एमआरपी पर था वो, और उसने एक ओल्ड कूलर खरीदा, एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका टोटल इक्विलेंट कितना हो गया, 28%। भाई 10 और 20 का कितना होता है इक्विलेंट, 28%। तो 28% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। ही स्पेंड्स 38 ऑन इट्स रिपेयर, और 38 उसने, क्योंकि पुराना खरीदा था, उसने 38 इसके रिपेयर पर लगा दिए, एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर, ठीक है। देखिए भाई, 650 पर उसको 28% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब उसने उसको कितने में पड़ा, 72% में। तो 650 का 72% निकाल लीजिए, ठीक है, 72/100, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा आपका, 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, और 2 से काटेंगे इसको 36 बार, ठीक है। 13 6 78, 7, 13 39 और 7 46, ठीक है, 468 रुपये में उसको वो पड़ा, और उसने 38 रुपये भाई उसने क्या किस पे, रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, तो यानी 38 रुपये इसमें और ऐड कर दीजिए, ठीक। कितना बन जाएगा आपका, 8 8 16, और 40 3 49, सॉरी 50, 506 रुपये। अब कह रहा है ये क्या है उसका, इतने में उसको वो पड़ा, ये क्या है उसका सीपी, ठीक है। कह रहा है एंड सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो आप मुझे बताइए 20% का मतलब क्या होता है आपका, 1/5, ठीक है। तो यानी सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकालना चाहूं, सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकालना चाहूं, तो ये बनेगा मेरा 5:6 भाई, 1/5 यानी 5 रुपए की चीज को वो 6 में बेच रहा है, ठीक। ठीक है, अब देखिए 5 की वैल्यू आपको गिवन है ये, ठीक है, और आपको निकालनी है 6 की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं 506 जो वैल्यू है ये 5 की है, और आपको निकालनी है 6 की। तो आप एक काम करिए, बड़ा ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन पॉइंट है कि ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब बन गया आपका 12, 12 से गुना करिए, 12 6 72, 12 5 60, और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 602 पॉइंट, 607.2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,927, ठीक है। ड्यू टू फेस्टिव सीजन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। राजू बाइज एन आर्टिकल एट ए रिड्यूस प्राइस एंड सेल्स इट 10,927 में उसने बेच दिया। देखिए भाई, उसने कुछ डिस्काउंट लेके उस रिड्यूस प्राइस, ठीक है, रिड्यूस प्राइस पर उसने जितनी उसकी कीमत थी उतने में ही बेच दिया, ठीक है भाई। उसकी इतनी कीमत थी, कम में उसने खरीदा कुछ डिस्काउंट लेके, और इतने में ही बेच दिया, तो उसको ऑब्वियसली कुछ फायदा हुआ, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 11.5%। व्हाट
वाज दी परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड, तो उसको कितना डिस्काउंट मिला था ये बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, इक्का मत करना कि भाई इतने में खरीदा इतने में बेचा है और यहाँ जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का डिस्काउंट मिला होगा, और ऑप्शंस में भी है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। देखिए 11.5% का मतलब क्या हुआ कि आपका 11.5 यानी कि 11.5, 11.5 का मतलब आपका बन जाएगा 23/2%। परसेंटेज हटा के मैं इसको लिख सकता हूं 23/200। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपए की चीज को, क्या ये क्या है प्रॉफिट है ना, 200 रुपए की चीज पर 23 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 200 रुपए की चीज को उसने 223 में बेचा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है आपका एसपी। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए उसने बेचा कितने में है, एक्चुअली सेल्स इट एट 10,927, तो मैं कह सकता हूं इस 223 की वैल्यू ही 10,927 है। ठीक है, अब इसको ये कितनी बार जाएगा, गुना करिए आपका 10,927 3, 2, 5 और 2, 7, यानी कि देखिए 10,927 कितनी बार जाएगा, कंप्लीट जाएगा 223, यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 23 पंजे, यानी कि 4 बार जाएगा ये, 4 3 12 और 22 चौक 88 और 1 89, तो ये 0 0, 10 में से 8 गए तो 2 47 7 का, और आपका 3 9 27 यानी 9 बार जाएगा ये, 9 3 27, 9 2 18 2 20, 9 2 18 2 20, बिल्कुल, तो यानी कि 49 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 49 टाइम्स है, तो मुझे बताइए सीपी कितना आ जाएगा आपका, 49 टाइम्स 49 दूनी 9800। ठीक, तो 9800 रुपये में वो चीज उसको पड़ी थी जो 10,927 में थी, तो अब आप मुझे बताइए 10,927 पर कितने का डिस्काउंट मिला उसको। भाई 10,927 रुपये की वो चीज थी और उसने बेची इतने में, तो यानी डिस्काउंट कितने का मिला, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो भाई 27 और 109 में से 98 जाएगा तो 11, तो 1127 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 1127 का डिस्काउंट कितने पर मिला, ऑब्वियसली एमआरपी पर, तो यही तो था एमआरपी। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज इतना। ठीक है, तो 10,927 तो 100 पर कितना, तो 100 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका अगर आप देखेंगे तो 10 से 11 में एक बार जाएगा। ठीक है, तो अगर 11 से गुना करेंगे तो 110 बनेगा, और इधर इसको गुना करेंगे तो ये कहीं ज्यादा होगा, तो 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका 10 पॉइंट, तो आप देखेंगे 9 3 27, अगर इसका मैं 3 से गुना करता हूँ, ठीक है, तो आपका 10 3 30, 3 7 21, आप आपका देखिए गुनाई भाग ही दे लीजिए, 11 27 00 में अगर आप 10,927 से भाग देंगे तो पहले तो एक बार जाएगा 10,927। ठीक है, तो आपका 27 में ये बनेगा 43 और यहाँ बचेगा एक, और उतार ली 0, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, तो आपका अच्छा ये बनेगा आपका 3 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो आपका 10 30 लगभग 3 बार, तो 10.3% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹2400 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द चेयर इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए भाई 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस है 20%, अगर मैं सीपी अगर 100 मानता हूं तो उसने मार्क कितना कर दिया, एमआरपी यानी 20% ज्यादा, यानी कि 120। ठीक है, और सवाल में एमआरपी की वैल्यू गिवन है 2400, तो 120 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2400। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 2 24, यानी कितने गुना है ये, 20 गुना। ठीक, तो ये कितना बनेगा 20 गुना, सीपी आपका बन जाएगा 2000। ठीक, ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द चेयर इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, अगर ये आपका 2400 एमआरपी है, इस पर 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, यानी कि 240 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
तो 2400 में से 200 जाएगा तो 2200, 40 और घटाइए तो यानी 2160 में बेचा जाता है। ये है आपका एसपी और ये है आपका सीपी। ठीक ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। 2000 रुपए की चीज को 2160 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 160 का। तो 160 का प्रॉफिट कितने पर है, इस 2000 पर, सीपी पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बनेगा आपका, ये 3 जीरो से आपकी, ये 3 जीरो कट जाएंगी, 2 से कटेगा 8 बार, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं तो वो मार्क कर देता है कितने पर, 20% ज्यादा, यानी कि 120 पर। ठीक है, इफ ही अलाउज हिज कस्टमर, ही अलाउज हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेक इफ एनी। तो देखिए भाई, अब ये उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि 12 दूनी 24 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच कितने में रहा है वो, 96 में। अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि भाई 100 रुपए की चीज को वो 96 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 4% का। ठीक है, तो आपका चार, वो क्या पूछ रहा है, लॉस या हानि। तो 100 रुपए की चीज को उसने 96 में बेचा तो 4% का लॉस हुआ उसको, तो ये लॉस है। ठीक है, 4% की हानि, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल लिस्टेड एट रुपए 3000, 3000 रुपए एमआरपी था, एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 15%। तो वो 15-15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है, ही स्पेंड्स 250 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए भाई, 3000 रुपये उसका एमआरपी था, उसने 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसका 1% हो गया 3, 15 से 45, यानी कि 450 का डिस्काउंट दिया पहले। ठीक है, तो यानी कि 3000 में से 400 जाएगा तो 2600, यानी 2550 बचा। ठीक, फिर इस पर 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि इसका 10% तो हो जाएगा आपका 255। ठीक है, और इसका भी आधा कितना होगा आपका, 255 का आधा हो जाएगा, देखिए 250 का आधा हो जाएगा आपका 125, और 5 का आधा हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो 127.5 होगा, तो ये बना आपका कितना, 5 और 10, 5 5 10 2 12। ठीक है, और 25 12 37 और 1 38.5, 382.5 का डिस्काउंट और दे दीजिए इसमें से, 382.5। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, 9, 9 में से 2 गए तो 7, और 14 में से 8 गए तो 6, और 24 में से 3 गए तो 21, तो 2167.5 रुपये की वो फाइनली उसको चीज पड़ी। ठीक है, उसने 250 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च और कर दिए थे, तो इसमें 250 और ऐड कर दीजिए, तो कुल मिला के उसको इतने में पड़ी है, यानी 7, 5 और 7, 6 और 5, 11, 21 और 2 23, और 1 24, यानी 2417.5 की पड़ी है। ठीक, ए डीलर बाइज एंड लिस्टेड इतना गेट्स डिस्काउंट्स ऑफ इतने इतने, ही स्पेंड्स इतने ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स इट एट इतने परसेंट के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो मैं अगर सीपी और एसपी की बात करूं तो सीपी मेरा बनेगा 1/5, यानी 5, और बेचा कितने में, 1 के फायदे पर, यानी 6 पर। ठीक है, और अब आपके हिसाब से सीपी था कितना, ये रहा। ठीक है, इतने में पड़ी थी उसको, तो 5 की वैल्यू आपको ये के वन, आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितने गुना है, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, 2417 हटा के नीचे 10 लिख लीजिए, ये वैल्यू है 5 की और आपको निकालनी है 6 की। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका, 5 से काट लीजिए इसको, 5 चौक 20 बचे 4, 5 8 40 बचा 1, 5 15 5 5 25। ठीक है, और फिर काटिए 5 से 5 2 10, और 5 से काटिए 5 9 45 बचे 3, 5 6 30 बचे 3, 5 7 35, और 2 से काट लीजिए 3 बार, तो 3 7 21, हासिल का 2 यूनिट डिजिट 1, तो 1 ही ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी आप गुना कर लीजिए, 3 7 21, 2 3 6 18 और 2 20, हासिल का 2 3 9 27 और 2 29, 29 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ए मेगा स्टोर इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन ऑल ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। साक्षी बॉट वन ग्रोसरी आइटम मार्क्ड रुपए 400, 400 रुपये एमआरपी था, उसने उसको खरीदा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द स्टोर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट, ठीक है। देखिए भाई 400 रुपये एमआरपी था, ठीक है, और उस पर 20% का डिस्काउंट मिला, तो इसका 10% कितना हो गया, 40, तो 80 का डिस्काउंट मिल गया इसमें से, तो कितने का पड़ा वो, 320 रुपये का, ठीक ठीक है। व्हाट इज दी, ये क्या है उसका टीपी, भाई इतने में ही खरीदा उसने 80% का डिस्काउंट लेके। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ दी अर्नड, इफ द स्टोर अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब क्या है कि 4 रुपए की चीज को स्टोर ने 5 में बेचा है, ठीक है। और एक्चुअल में ये सीपी केवल साक्षी के लिए है, ठीक है, उसके लिए स्टोर के लिए तो ये एसपी है, तो मैं कह सकता हूँ ये 5 की वैल्यू ये है स्टोर के लिए, भाई इतने में स्टोर वाले ने इतने में ही बेचा है, तो 5 की वैल्यू ये है, तो आपको सी 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं कि 320 वैल्यू 5 की है, मेरे को निकालनी है 4 की, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरा इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है, ये 10 से ये 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तीया 24 और 1 25, 256 मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट। तो भाई देखिए, अगर मैं टीपी 100 मान लेता हूं, तो वो मार्क कर देता है 15% ज्यादा, यानी कि 115, फिर इस पर 5% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। इस पर इसका 10% कितना हो गया, ठीक है, या तो आप एक काम करिए, चलिए भाई इसका 10% हो गया 11.5, ठीक है, इसका आधा करिए, ठीक है, कितना बनेगा आपका, इसका आधा करेंगे, एक 11.5 का आधा करेंगे तो आपका बनेगा 25, 2 से 2 पंजे 10 बचाए 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो यानी 5.75, ठीक है, 5.75 बनेगा, तो आपका 5.75% का डिस्काउंट और 5.75 का डिस्काउंट और दे दीजिए, तो 115 में से 5 जाएगा तो 10 और 0.5 जाएगा, तो यानी 109.25 ये आपका ऐसा, तो कह रहा है कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, तो 100 रुपये की चीज को आपने 109.25 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका 9.25% का हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹4,000 टू ए शॉपकीपर, भाई एक शॉपकीपर के लिए एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो ₹4,000 थी, हु मार्क्स इट्स प्राइस एट 8,400, ₹8,400 उसने मार्क कर दिए, भाई ₹4,000 की चीज उसने ₹8,400 प्रिंट कर दी, मार्क कर दी। द शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, भाई ₹8,400 पर आपने 25% का डिस्काउंट दिया, इसका 25% कितना हो जाएगा भाई, 10 आपका आधा कर लीजिए पहले 4,200, फिर आधा करिए 2,100, तो 2,100 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि उसने कितने में बेचा, कुल मिला के 6,300 में, ठीक है ठीक है। द कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इश्यूड बाई द स्टोर प्रीवियसली, जो स्टोर ने पहले पिछली बार कूपन दिया था उसको उसने रिडीम कर लिया, उसको 15% का डिस्काउंट और मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाई द शॉपकीपर इन दिस ट्रांजेक्शन, अपना कंप्लीट फिगर में बताना है, ठीक है, तो यानी कि 15% का डिस्काउंट और मिल गया, तो इसका भाई इसका 10% कितना हो गया आपका, देखिए 6,300 का 10% हो गया आपका 630, और इसका भी आधा कर लीजिए 315, इतना डिस्काउंट और मिल गया 15% ना, ठीक है, तो यानी 30 और 15 45, और 6 और 3 9, तो 945 का डिस्काउंट और मिल गया उसको, तो 100 में से 45 गए तो 55 आएगा लास्ट में, देखिए अच्छा कंप्लीट फिगर में पूछा है ना, तो आपका व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है अभी बताते हैं, तो आपका बना कितने में, देखिए 6,300 में से 45 गए तो 55,
यहाँ बचे 62, 62 में से 9 जाएगा तो 53, तो 5355 रुपये की वो चीज पड़ी। ठीक ठीक है, और वो चीज थी कितने की एक्चुअल में, 4000 रुपये की। ठीक है, तो ये क्या है आपका शॉपकीपर सेल सेट, तो यानी कि उसने इतने रुपए में बेची फाइनली, ये आपका एसपी, और उसके सीपी कितना था आपका 4000। तो फायदा कितने का हुआ है भाई, प्रॉफिट जो हुआ है उसको, वो कितना हुआ है प्रॉफिट हुआ है आपको उसको 1355 रुपये का। ठीक है, ये 1355 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, सीपी 4000 पर, परसेंटेज बताना है ना, तो यानी कि 1355 का फायदा हुआ है 4000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 5 से काट लीजिए, अभी 5 से कटेगा 8 बार, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 एक 5 तो 8 तिया 24 बचे 3, 8 चौक 32, लगभग 34% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 100 एंड गेन्स 8%, राउंड ऑफ बताना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 100। देखिए, एमआरपी उसका 100 था, उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का। ठीक है, तो उसका एसपी कितना हुआ, ये डिस्काउंट है तो एसपी कितना हुआ भाई, 90। ठीक है, अब कह रहा है गेन्स 8%, तो कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, तो गेन्स 8% का मतलब क्या है, 8% का मतलब होगा आपका 2/25। ठीक है, तो यानी 2 रुपए की चीज को वो 2 के फायदा में यानी 27 में बेचेगा, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहूं तो ये बनेगा मेरा 25 रुपए की चीज को मैं 27 में बेच रहा हूं, और मेरे हिसाब से वैल्यू 27 है, सवाल के हिसाब से 90 है, तो यानी 27 की वैल्यू 90 है और मेरे को सीपी निकालना है 25 की, तो मैं कह सकता हूँ 90 वैल्यू 27 की है, मेरे को निकालनी है 25 की। ठीक है, तो 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर में कंप्लीट फिगर में बताना है, 9 से 3 बार, 9 से 10 बार, तो 250/3। ठीक है, तो अगर ये 251 होता, ठीक है, तो देखिए भागी दे लीजिए, 3 8 24 बचा 1 3 9, तो 83 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% बट मार्क्स हिज आर्टिकल्स बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%। ठीक है भाई, उसने अगर उसका सीपी 100 रुपये था तो उसने मार्क कर दिया 20% ज्यादा, यानी कि 120, अब कह रहा है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का, ठीक है, 10% यानी 12 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि बेच कितने में रहा, 108 में, ये आ गया उसका एसपी। ठीक ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, देखिए हिज गेन परसेंट, भाई 100 रुपये की चीज को वो 108 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली 8% का। ठीक है, तो 8% आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800 है। ठीक है, तो सीपी आपको 800 गिवन है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ए गेन ऑफ 12.5% वाज मेड। तो देखिए भाई, 12.5% का गेन हो रहा है, 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भाई 8 रुपए की चीज को आप 9 में बेच रहे हो, 1 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं सीपी और एसपी का बात करूं, यहां से एसपी लिख देता हूं, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 रुपए की चीज को मैं 9 में बेच रहा हूं, तो 8 की वैल्यू आपको 800 गिवन है, ठीक है, 100 टाइम्स, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 100 टाइम्स 900 रुपये, तो ये हो गया आपका एसपी। ठीक है ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया और आपसे पूछा है मार्क प्राइस। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कि भाई 10% का डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 रुपये की चीज को आपने 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेची है, तो एमआरपी अगर 10 था तो आपका एसपी हो जाएगा 9, और आप क्लियरली देख सकते हो कि
ठीक है भाई, आपकी एसपी आपकी 900 है, तो 9 की वैल्यू आपको 900 गिवन है, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितनी है आपकी 100 टाइम्स, तो ये 10 की वैल्यू 100 टाइम्स कितनी हो जाएगी आपकी 1000। ये आपका एमआरपी होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी मेहनत को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दी शॉप की ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 18%। ठीक है देखिए 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 18% का उसको प्रॉफिट होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट 528 टू द शॉपकीपर। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एमआरपी एमपी और सीपी का रेशियो लिखिए, ठीक है, और जो डिस्काउंट है उसको सीपी के नीचे लिखिए। तो डिस्काउंट 12% का है तो सीपी के नीचे इसको 88% लिख दीजिए, 12% का डिस्काउंट देके, और 18% का गेन हुआ इसको एमपी के नीचे लिखिए 118 लिख दीजिए। ठीक है अब देखिए आपका बन जाएगा ये, 2 से काट लीजिए 44 बार, 2 से काटिए 59 टाइम्स। ठीक आपको गिवन है सीपी 528, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 528 44 की वैल्यू है। ठीक है आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से काटिए 11 चौक 44, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 8 88, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 चौक 48, 12। ठीक है आपसे पूछा है मार्क प्राइस, तो इसकी वैल्यू 12 से गुना कर दीजिए, 12 नम्बर 108, हासिल का 10, 12 पंजे 60 और 10 70, 708 आपका आंसर हो जाएगा, 708 ऑप्शन डी। ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टोटल डिस्काउंट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। ठीक है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है। ठीक है कॉन्सेप्ट पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है, कि मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। और देखिए किसी भी मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।